नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के बारे में देखेंगे, आरपीएफ रूल 1987 के बारे में देखेंगे, क्योंकि आरपीएफ रूल जो है ये सारे लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न देता है। इसलिए मैं आप लोग जो भी मेंबर ज्वाइन हुए हैं आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, स्पेशल सिर्फ आप ही को शो होंगे जो भी मेंबरशिप लिए हैं। बाकी ओपन वीडियो जो है जो सभी के लिए है वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेंबर के लिए ये वीडियो मिलेगा और ये स्पेशल वीडियोज़ हैं। तो आरपीएफ रूल से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग आरपीएफ रूल से शुरू किए हैं और कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा पाऊं। देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सफल बनाने में आप लोगों के लिए पूरा सहयोग कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि नियम में जो है क्या क्या चीज़ें हैं। नियम में जो है आपको बता दें तो 21 तो अध्याय हैं, इसमें 21 अध्याय हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो 21 अध्याय और 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे इस वीडियो में हम लोग कि इसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। आगे जो रूल के वीडियो आएंगे उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव पार्ट होगा उससे संबंधित होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है रेल सुरक्षा बल नियम 1928 के अध्याय और उनके विवरण, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले है प्रिमिलरी, जो पहला चैप्टर है वो प्रिमिलरी, क्योंकि ये क्या है, आरपीएफ रूल में क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रारंभिक हर चीज़ का होता है, तो ये भी प्रारंभिक के बारे में बताया है इसमें, जो कि रूल 1 और 2 में प्रारंभिक के बारे में, प्रिमिलरी के बारे में बताया है। जो हम चैप्टर 2 में जब हम चलते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारे फोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्स। ये जो है रूल 3 से लेकर के रूल 20 तक जाता है, मतलब कंट्रोल रूम के सेटअप तक जो है यह जाता है। इसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे, आगे के वीडियोज़ में कवर होगा। तीसरा जो है वो है डायरेक्शन एंड कंट्रोल, कि मतलब हमारे फोर्स का फोर्स को डायरेक्ट कौन करता है, मतलब डीजी साहब करते हैं, सीधा बात है, कंट्रोल भी वही करते हैं। साथ ही साथ उनके नीचे जो है पीसीएससीज, डीएससीज ऐसे करके काम होता है, एएससी, तो उन सब चीज़ों का देखेंगे इसमें कि डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें हम रूल 21 से लेकर के 24 तक जो है डायरेक्शन एंड कंट्रोल के बारे में बताया गया है। चौथा अगर देखें तो चौथे में है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें यह बताया गया है कि आपके लिए आरपीएफ का क्या पावर है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ये 25 से लेकर के 44 तक जो है नियम में वर्णित है, जिसमें कि आप 42 आप सुने भी होंगे नियम 42 बल सदस्यों की तैनाती में जो है रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, तो उसके बारे में हम लोग गंभीरता से देखेंगे, बहुत ही यूनिक अध्याय है। पांचवा जो है जिसके लिए हम लोग पूरी तरीके से जुद्दोजहद कर रहे हैं, पांचवें अध्याय में दिया है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड करियर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट में मतलब क्या है, ये 45 रूल से लेकर के 77 तक, मतलब रूल 45 से लेकर के रूल 77 तक ये चैप्टर जाता है। अब इस रूल 77 तक में जो है रिक्रूटमेंट, दैट मीन्स क्या हुआ, न्यू रिक्रूट जो होता है वो रिक्रूटमेंट हुआ और उनका फिर क्या होगा, ट्रेनिंग होता है। और ये करियर प्लानिंग वाले चैप्टर में क्या है, इसमें हम लोग आते हैं कि रूल 70 के तहत जो प्रमोशन मिलता है, रूल 72 के तहत जो प्रमोशन मिलता है, ये करियर प्लानिंग और एक नॉर्मल प्रमोशन जो होता है टेन्योर का जो 70 के तहत होता है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें अध्याय 5 में देखेंगे। इसके बाद जो है अध्याय 5 को और बाइफर्केट करें तो रिक्रूटमेंट संबंधित जो धारा है नया वो 45 से लेकर 58 तक है, ट्रेनिंग से संबंधित जो धाराएं वो सॉरी नियम रूल 59 से लेकर के रूल 67 तक है, 59 से लेकर के 67 तक ट्रेनिंग के बारे में है और 68 से लेकर के 77 तक जो है वो प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग से लेकर के है। छठा अध्याय जो दिया हुआ है रूल का वो है पे, मतलब आपका क्या पेमेंट मिलेगा, आपको रेमुनरेशन, क्या आपको आपका काम का मेहनताना मिलेगा, एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, सर्विस ड्यूरेशन आपका
क्या रहेगा। ये रूल 78 से लेकर के रूल 86 तक है। सवाल इस अध्याय से बहुत कम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इसमें से जो है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस जो है वहाँ MACPs वगैरह से सवाल बनते हैं, उसको हम लोग चैप्टर वाइज आएंगे। बड़े आसानी से सब चीज़ को एक एक करके तहकीकात करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, सातवां जो अध्याय है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोर्स। मतलब इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कि कहां कहां पर किसको किसको कैसे तैनात किया जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। तो यहां पर एक टर्म आ गया मेंबर ऑफ द फोर्स, तो यहां मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेंबर ऑफ द फोर्स किसे कहा जाता है। ठीक है, कहाँ तक के रैंक को मेंबर ऑफ द फोर्स माना गया है। तो रूल 87 से लेकर के 93 तक जो है इसका वर्णन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। अब इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रूल 87 से लेकर के 89 तक है, और ट्रांसफ़र जो है मेंबर ऑफ द फोर्स वो 90 से लेकर के 93 तक है। तो हम लोगों ने सात अध्याय के बारे में देखा। आगे देखते हैं आठवां अध्याय जो है वो ये बताता है क्या, इंटरनल मैनेजमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सीनियरिटी। मतलब कि आपका जो इंटरनल मैनेजमेंट हमारे डिपार्टमेंट का क्या है और कैसा जो है कंडीशन ऑफ सर्विस सीनियरिटी, मतलब सीनियरिटी जो है आपका किस किस प्रकार से निर्धारित होता है। इसमें आप हम लोग इसमें देखेंगे इस अध्याय में कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इंटर जोनल ट्रांसफ़र, इस तरीके से जो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद सीनियरिटी में क्या प्रभाव पड़ता है। फिर नवा जो अध्याय है वो है इनकैपमेंट एंड एकोमोडेशन। इनकैपमेंट एंड एकोमोडेशन मतलब कि हम लोगों के रहने के लिए जो है क्या क्या सुविधाएं सरकार देती हैं, हमारा आवास कैसे होगा। तो 118 से लेकर के 120 तक इसमें वर्णित है। उसके बाद हम ड्यूटी करते हैं तो यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट, जहां से कि सवाल बहुत बनते हैं, रूल 121 से लेकर के 131 तक है। इसमें यह पूछा जाता है कि वर्दी में पान खाने कौन सी रूल के तहत जो है पनिशमेंट है, सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो ये 121 के क्लॉज में ये सारे सवाल हैं, तो बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके एकदम सलीके से देखेंगे और वादा करूंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी सवाल मिस नहीं होंगे। चलिए 11वां जो है वो भी बहुत 11वां अध्याय महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट। इसमें 132 से लेकर के 147 तक जिसमें कि बताया गया है कि आपका अनुशासन और आपका व्यवहार कैसा आपको रखना है। और उसके बाद जो है डिसिप्लिनरी एंड पेनल पनिशमेंट, जिसको DNAR बोलते हैं तो शॉर्ट में, तो ये रूल 148 से लेकर के रूल 210 तक है। ये जो 11 और 12 अध्याय है इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। इसको आप जान लेंगे तो आप अपनी कार्यप्रणाली में भी काफ़ी सजगता से काम करेंगे, आप दृढ़ क्या कहते हैं, आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं मैं सही काम कर रहा हूँ, और जब गलत करेंगे तो आपका दिमाग आपको बता देगा। चलिए 13वां अध्याय जो है वो अपील एंड रिवीजन से संबंधित है कि हम अगर हमें पनिशमेंट मिल जाता है तो उस पनिशमेंट को फिर हम कितने दिन में अपील करते हैं, अपील कब रिवीजन बन जाता है, तो उसके लिए है रूल 211 से लेकर के रूल 220 तक। इसके बाद जो है आप रेलवे कंसाइनमेंट, बुक कंसाइनमेंट, इन सब चीज़ों की जगह इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन कैसे करते हैं, ये रूल 221 से लेकर 232 तक है। इस चैप्टर से एक सवाल तो श्योर रहेगा, चाहे वो रूल 70 ही क्यों ना हो, चाहे रूल 72 ही क्यों ना, क्योंकि मेनली तो RPF का काम ही यही है ना, अफसर बनने के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। उसके बाद आता है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको रिवार्ड और अवार्ड देती है, तो ये हो गया आपका 232 से लेकर के 239 रूल तक है। वहाँ आप एक बार बताएंगे रिवार्ड एंड अवार्ड में भी क्या है डिफरेंस है, अवार्ड जो है रिवार्ड एंड अवार्ड में भी डिफरेंस है, उस डिफरेंसेस को हम लोग उस अध्याय पर आएंगे और अच्छे से उसको देखेंगे। 16वां जो अध्याय है वो है एड टू सिविल पावर, मतलब कि हम जो है सिविल शक्ति को कैसे सहायता देते हैं, जैसे भीड़ को तितर बितर करना क्या पावर है, ये रूल भी आपको डेराइव करता है। एक तो मेजर लॉ में मैंने आपको पढ़ाया है IPC CRPC है, वहाँ पर आपको एम्पावरमेंट है, लेकिन आपको रूल भी कहता है कि आप जो है सिविल पावर को किस तरह से सहायता देंगे, ये रूल 240 से 46 तक है।
इसके बाद जो है प्लेन्स एंड प्रोटेक्शन है, मतलब कि बल का संरक्षण जो है वो क्या है, रूल 47 से लेकर के 247 से लेकर के 256 तक दिया हुआ है अध्याय 17 में। अध्याय 18 में लाइजनिंग आप कैसे करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है, रूल 257 से लेकर के रूल 261 तक। और वहीं पर 19वां जो है आपका स्पेशल वेलफेयर मेजर्स से है, जो कि रूल 262 से शुरू होता है और 264 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने 19 अध्याय तक देखा। 20वां और 21वां अध्याय बताता है, 20वां अध्याय विविध के बारे में देता है, मिसलिनियस, जो कि 265 से लेकर 279 तक है। और अंतिम जो है अध्याय 21 जो है वो रिपील एंड सेविंग, निरसन और बचाव के बारे में बताता है, उसमें एक ही धारा है 280। और इसके अलावा जो है ये 12 शेड्यूल है, इसमें 12 शेड्यूल मतलब अनुसूचियां हैं, जिसमें कि 9 आपको दिख रहे होंगे और अगला आपको स्लाइड में दिखेगा। जो भी है शेड्यूल से वैसे सवाल ना के बराबर आते हैं, इसलिए हम लोग इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे। सिर्फ आप एक बार प्रिंट आउट आपको मिलेगा, उस प्रिंट आउट में आप इस चीज़ को देख लेंगे। हम लोग 21 अध्याय पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद जो है आपको 10, 11 और 12 यहाँ पर भी अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद एक एनेक्सर दिया हुआ है, जिसमें कि डिक्लेरेशन टू बी गिवन बाय मेंबर ऑफ द फोर्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सिक, जब आप सिक करते हैं तो उसके लिए डिक्लेरेशन कैसे देना है, उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यहाँ एनेक्सर में दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा रूल 1987 जो RPF रूल 1987 है, उसमें कहाँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, किस किस अध्याय में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय में जो भी चीज़ें मैंने बताई है आप ध्यान से सुने होंगे। अब आपके लिए इस अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दिया गया है, आप उसको देखेंगे। और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, इस पर मैंने 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उठाए हैं, देखते हैं आपने कितना अटेंशन के साथ इस वीडियो को सुना है। सबसे पहला सवाल है, इन विच चैप्टर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज डिस्क्राइब्ड इन RPF रूल, रेल सुरक्षा बल के किस अध्याय में शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ वर्णित हैं। क्या ये अध्याय 1 में है, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में या अध्याय 4 में। तो आप जवाब दे दीजिए, जवाब आपने टिक कर लिया होगा। सही उत्तर है दोस्तों अध्याय 4 में जो है यह वर्णित है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा सवाल, इन विच चैप्टर डिसिप्लिन एंड कंडक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन RPF रूल, मतलब रेल सुरक्षा बल के किस अध्याय में अनुशासन और आचरण वर्णित है। क्या ये अध्याय 8 है, 9 है, 10 है या 11 है। इसका सही उत्तर है दोस्तों अध्याय 11 में जो है डिसिप्लिन एंड कंडक्ट के बारे में बताया गया है। चलिए तीसरा सवाल पे देखते हैं, इन विच चैप्टर डिसिप्लिनरी एंड पिनल पनिशमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन RPF रूल, रेल सुरक्षा बल के किस अध्याय में अनुशासन और दंड वर्णित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों अध्याय 12 में जो है यह वर्णित है, डिसिप्लिनरी एंड पिनल पनिशमेंट। अब देखते हैं चौथा सवाल, इन विच चैप्टर रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स इज डिस्क्राइब्ड इन RPF रूल, क्या ये अध्याय 12, 13, 14 या 15 में। सही उत्तर है दोस्तों अध्याय 15 में जो है रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताया गया है। अब अंतिम सवाल, इन विच चैप्टर रिपील एंड सेविंग इज डिस्क्राइब्ड इन RPF रूल, रेल सुरक्षा बल के किस अध्याय में निरसन और बचाव के बारे में वर्णित है। क्या ये अध्याय 19 है, अध्याय 20 है, अध्याय 21 है या अध्याय 22 है। तो 22 तो हो नहीं सकता है, देखिए एलिमिनेशन मेथड, 22 तो अध्याय है ही नहीं अपने पास। ठीक है, और इसका जो है एक उत्तर आपका सही गलत छांट दिए तो आपका 33% चांस बनता है, अगर आप सट्टा भी लगाएंगे तो यह सवाल आपका सही होने का चांस 33% है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अध्याय 21 में जो है निरसन और बचाव वर्णित है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 के बारे में देखा कि उसमें कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और उस पर कुछ सवालों को हल किया। आगे टेस्ट सीरीज़ में और भी सवाल आपको इस तरह से इंक्लूड करके लिया जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताइएगा, साथ ही साथ कुछ सुझाव हो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि
आपके लिए ही सारी मेहनत की जा रही है। आपको जो चीज़ें चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा, समयानुकूल मैं आपके लिए वो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।